अस्सलाम वालेकुम, कुकिंग विद सना में वेलकम। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है चना पुलाव। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक नॉन स्टिक पैन में आधा कप ऑयल लेंगे, इसमें साबुत गरम मसाला ऐड करेंगे और एक दरमियानी साइज़ की कटी हुई प्याज ऐड कर देंगे और प्याज को लाइट ब्राउन तलेंगे। प्याज जब लाइट ब्राउन हो जाए तो इसमें लहसुन अदरक एक चम्मच पीसा हुआ ऐड करेंगे। 5 से 7 हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड किया है हमने यहाँ पे और इसे भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें काली मिर्चें एक चम्मच, एक चम्मच गरम मसाला पीसा हुआ और एक प्याली फिटी हुई दही ऐड कर देंगे। 4 से 6 घंटे पहले मैंने चने लिए थे एक प्याली, इसको भिगो लिया था। आधा चम्मच मीठा सोडा और आधा चम्मच नमक डाल के उसी पानी में इसे बॉईल करके और पानी फेंक के इसको चनों को यहाँ पे हमने ऐड किया है। अब इसे मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसे अच्छी तरह हमने भूनना है तेज़ आंच पे ताकि इसका सारा पानी खुश्क हो जाए। आप चाह रहे हैं तो 4 मिनट के लिए इसको कवर भी लगा सकते हैं। मैंने थोड़ी देर इसको कवर किया था ताकि छोले थोड़े से नरम और हो जाएं। तो बस इसके बाद मैंने यहाँ पे इमली मिक्स की है। बस इसका सारा पानी यहाँ खुश्क कर लेंगे, इसको भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें चावलों के हिसाब से पानी ऐड होगा। चावल मैंने आधा किलो लिए थे मतलब 1.5 गिलास, तो मैंने यहाँ 2.5 गिलास पानी ऐड किया है। 1.5 गिलास चावल थे तो 1 गिलास एक्स्ट्रा पानी लिया मतलब 2.5 गिलास। और यहाँ अब नमक ऐड किया है और 2 हरी मिर्चें इसमें काट के वो ऐड कर दी हैं। इसे हाई फ्लेम पे रख देंगे ताकि इसमें उबाल आ जाए। उबाल आ गया है, अब हम चावल इसमें ऐड करेंगे। चावल ये 1.5 गिलास लिया है बासमती राइस और आधा घंटे पहले मैंने इसको भिगो दिया था, अब बस वो ऐड कर दिया है और इसे फुल आंच पे ही हमने यहाँ पकाना है ताकि इसका सारा पानी खुश्क हो जाए और फिर इसे दम लगाएंगे। देखें ये पानी यहाँ खुश्क हो गया है, चमचे से पानी नहीं गिर रहा और बस अब हम इसे दम लगाएंगे। दम लगाने से पहले इसमें 1 चम्मच रूह केवड़ा और आधी चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ ऐड किया है, उसे 20 मिनट के लिए हल्की आँच पर रख दिया था। ये देखें हमारे यहाँ चना पुलाव रेडी हो गई है और बहुत ही मज़े की बनी है। गर्मा गर्म चना पुलाव तैयार हो गई। आप भी लाजमी अपने घर में ट्राई कीजिए, बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है। अपनी फैमिली के साथ मिलके खाइए और मुझे अपना फीडबैक दीजिए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। कोई न्यू रेसिपीज़ के अगर आप कोई रिक्वेस्ट करना चाहें तो वो मुझे कमेंट्स में कर सकते हैं। इंशाल्लाह न्यू क्विक रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।